श्री श्याम सुंदर पालीवाल, समाज सेवा पर्यावरण। ये कार्यक्रम पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी के पर्यावरण, जल संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण जैसे कई अथक प्रयासों पर आधारित है। पिपलांत्री, बेटी बचाओ पेड़ लगाओ, बेटी पढ़ाओ जीवन बचाओ। पिपलांत्री गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में कई किलोमीटर तक ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियों से घिरा एक हरा भरा स्वर्ग है। आज से बहुत साल पहले मार्बल खदानों की खुदाई, वनस्पति दोहन और अंधाधुंध लकड़ी की कटाई से पिपलांत्री गांव बंजर हो गया था। यहां पर दूर दूर तक पेड़ पौधों और जीव जंतु तक दिखाई नहीं देते थे और हरी भरी पहाड़ियां उजड़ने लगी थी। साथ ही संगमरमर के कारखानों से औद्योगिक प्रदूषण, पानी और बिजली की कमी का सामना करना पड़ता था। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, निरक्षरता और बढ़ता अपराध इत्यादि सामाजिक समस्याओं की चट्टाने बनती जा रही थी। 2005 के प्रारंभ में पिपलांत्री गांव में एक बदलाव आया। पिपलांत्री के पंचायती चुनाव में जब श्याम सुंदर नामक एक व्यक्ति जीतकर सरपंच बने, इस खुशी के साथ साथ एक दुख भी उनके जीवन में आया। एक दुर्घटना हुई जिसमें उनकी बेटी किरण की मृत्यु हो गई। सरपंच जी ने अपने दुख को एक सकारात्मक रूप देते हुए प्रण लिया कि मैं श्याम सुंदर बेटियों की भ्रूण हत्या किसी भी प्रकार से नहीं होने दूंगा। कारखानों में औद्योगिक प्रदूषण, पानी की कमी, बिजली की कमी, बाल विवाह, हत्या, निरक्षरता और बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पर्यावरण और वन्य जन जीवन को बचाने एवं संरक्षण के लिए सरकार की योजनाओं की सहायता से हर संभव प्रयास करूंगा। वह अकेले ही इन प्रयासों में जुट गए। घर घर जाकर गांव के लोगों को बेटी, शिक्षा और पर्यावरण की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका को समझाने लगे, जिससे गांव के सभी लोग जागरूक हुए और फिर गांव में बेटियों के जन्म और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा सुचारू रूप से देने के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी घर घर जाकर भी दी जाने लगी। गांव में बेटी का जन्म होने पर सरपंच जी के प्रयासों से गरीब माता पिता को बेटी के नाम पर 31,000 रुपए की सहायता मिलने लगी, जिसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है, जो बेटी के 20 वर्ष होने पर उसके भविष्य के लिए दिए जाएंगे। साथ ही एक शपथ पत्र भी दिया जाता है, जिसको किरण निधि योजना के नाम से जाना जाता है। ग्रामीणों द्वारा हर बार एक लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं और जन समुदाय इन वृक्षों को जीवित रखने के लिए सुनिश्चित करते हैं कि ना वह खुद से पेड़ काटेंगे और ना दूसरों को पेड़ काटने देंगे तथा इनका संरक्षण करेंगे। लगाए जाने वाले पेड़ पौधों में बहुगुणी नीम, शीशम, आम, आंवला और एलोवेरा जैसे कई दूसरी बहुमूल्य औषधियों को लगाया गया है। आज इन पेड़ों की संख्या 5,00,000 से अधिक हो गई है। इनसे मिलने वाली बहुमूल्य ऑक्सीजन, औषधियाँ, वृक्षों की जड़ों द्वारा रोकी गई मिट्टी, पानी का बढ़ता जल स्तर और वन्य जीवों का बचता जीवन है। मुझे किरण निधि योजना से बहुत लाभ मिला है। ये बच्ची बड़ी होगी तब पढ़ाने में सुविधा मिलेगी। इससे माता पिता अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता से मुक्त हो गए हैं और उन्हें विद्यालय में भेजना शुरू कर दिया है। यह काव्या है, इतनी छोटी सी उम्र में ही इसे अपनी बहन के साथ स्कूल जाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यह स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेती है। इस प्रकार बच्चों के दिन की शुरुआत पीठ पर लादे किताबों के बस्तों और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर से गुजरते हुए विद्यालय में व्यायाम, प्रार्थना,
प्रतिदिन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु दुग्ध योजना के अंतर्गत दूध पिलाया जाता है। विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करके अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। हो सकते हैं जैसे ए विकसित देश में, अगर हम ए विकसित देश की बात करें तो हमारे माइंड में आता है ये विकसित देश है कोई। अब जैसे तुम सब पढ़ते हो, चलो बता तुम सब पढ़ते हो क्या आएगा? यूएम पटिशन, बिल्कुल सही है। मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती हूँ और बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल करना चाहती हूँ। दोपहर में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार परोसा जाता है। जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। ये मासूम से खिलखिलाते चेहरे खेल खेल में बिना बिजली के पानी भरो की तकनीक से मनोरंजन करते हुए विद्यालयों की टंकियों तक चुटकियों में पानी पहुंचा देते हैं। और छुट्टी के समय बच्चों को फल दिए जाते हैं जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का समान लिंग अनुपात दर्शाता है कि यह देश के विकास में योगदान करेंगे। एक तो शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से होती है और शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे सद विचारों को जो हमारे राष्ट्र की महती आवश्यकता है उसका प्रचार प्रसार करें, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको NCERT के माध्यम से या अन्य वो संस्थाएं जो एजुकेशन में संलग्न है, इनके कोर्सेज बनाने में संलग्न है, इनके अंदर हम वेरियस ऑथर्स के माध्यम से उस ज्ञान को हम आगे तक पहुँचाने का संकल्प लेते हैं। तो इस तरह के काम जो पिपलांत्री के आज मॉडल रूप में खड़े हुए हैं ये पुस्तकों में प्रकाशित होने चाहिए, ये स्कूल और कॉलेजेस के कोर्सेज में आने चाहिए, तब वो बच्चों तक पहुंच पाएंगे, ये हमारा ध्येय है। दूसरा कि जो बच्चे हैं उनको अगर हम एजुकेट करेंगे तो उनके एजुकेशन के माध्यम से उनके इस ज्ञान प्राप्ति से लंबे समय तक हमारे राष्ट्र में वो चीज़ें पहुँचेंगी। वो बच्चा वर्तमान का तो आज काम हम देख रहे हैं देश का, लेकिन कल का भारत वो बनाने वाले हैं। पेड़ पौधों के रोपण एवं संरक्षण से अब पिपलांत्री में जल स्तर 50 से 60 फुट की गहराई से उठकर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर आ गया है। अब गांव में भी लोगों को पानी आसानी से उपलब्ध होने लगा है। जगह जगह पानी के स्रोतों से अब वन्य जीवों को भी भटकना नहीं पड़ता। अब पशु पक्षियों, वन्य जीवों और साथ ही इससे जुड़े रोजगार के चलते गांव के लोगों का पलायन रोकने में एक मील का पत्थर साबित हुई है। चहचहाते हुए पक्षी दूर दूर से आकर तिनका चुन चुन कर घोंसला बनाने लगे हैं। पशुओं के लिए चारागाह भूमि को सुरक्षित रखा गया है। फल और सब्जियां सामान्य रूप से मिलने लगी है। एलोवेरा पेड़ पौधों को दीमक लगने से रोकती है और सुरक्षित रखती है। इतना ही नहीं, एलोवेरा के बने प्रोडक्ट जैसे जूस, शैम्पू, अचार और फेस पैक और दवाइयों से गांव की महिलाओं को रोजगार मिलने लगा है। पहले मेरे पास कुछ खाने का नहीं था और कपड़ा भी नहीं था। पिपलांत्री में रोजगार चला तो अब मेरे को खाने को भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, मेरे बच्चों को भी पहना सकती हूँ, जो मेरे बच्चों बोलते वो उनकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आज महिलाएं कड़ी धूप और तेज गर्मी में भी खुशी खुशी पर्यावरण के लोक गीत गाकर पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। यह सिद्धू अनाथ और दिव्यांग है, सही से बोल भी नहीं पाता, लेकिन स्वच्छ वातावरण में रहना और पेड़ पौधों की गिनती करना इसे बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, पेड़ों की देखभाल और गिनती करने से इसे रोजगार भी मिल रहा है। सीमित ऊर्जा स्रोतों को बचाने के लिए यहाँ सस्ती ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया है। सोलर सेलों से उत्पन्न होने वाली बिजली को कार्यालयों और घरों तक पहुँचाया जा रहा है। पिपलांत्री में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। घरों, विद्यालयों और सार्वजनिक शौचालय
तथा सड़कों पर दूर दूर तक स्वच्छता के प्रमाण मिलते हैं। इस गांव में पिछले 10 वर्षों से किसी भी प्रकार के अपराध की कोई घटना नहीं घटी है। यहाँ सभी वर्ग के नागरिक एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जाति धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए गांव के सभी निवासी एक स्थान पर इकट्ठा होकर प्रति वर्ष एक माह तक गवरी त्योहार का आयोजन करते हैं। जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की 16 कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। पिपलांत्री में बेटियां रक्षाबंधन के त्योहार को एक अनूठे ढंग से उत्साह पूर्वक मनाती हैं। या बेटियां इकट्ठा होकर पेड़ों की पूजा करती हैं और उनको राखी बांधकर उनके संरक्षण और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस क्षेत्र में समुद्र मंथन का भी त्योहार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं तालाब की सफाई करके भूमि पूजन करती हैं और प्रार्थना करती है कि हमारे गांव में समय पर बारिश हो और पेड़ पौधे फसल जनजीवन सब खुशहाल रहे। महिलाएं रंग बिरंगे परिधान और आभूषण पहने हमारे देश की संस्कृति को भी दर्शाती है। इस त्योहार में महिलाओं के भाई बहन को सम्मान के साथ चुनरी उड़ाकर विश्वास दिलाते हैं कि हमारे यहाँ आपकी सच्ची आस्था और अतुल्य प्रयासों से इस बार नियमित बारिश होगी और फिर से खुशहाली आने लगेगी। पिपलांत्री आज देश में एक ऐसे आदर्श गांव का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो स्वर्ग सा प्रतीत होता है, जिसमें पानी में तैरती मछलियाँ, बतके, खेलते कूदते खरगोश और पेड़ों पर पंछियों के बने आशियाने संरक्षण का प्रतीक बन गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में तय किए गए 17 लक्ष्य को 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। गरीबी की पूर्णता समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास। ये मंगरा है नी तो मंगरा रे माँ खोद खोद ने काम की दोटे काम करे नबड़िया कर दी करे एक पौधा रोपिया। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। पिपलांत्री गांव इन सभी लक्ष्यों को पूर्ण करके हमारे देश को विश्व में गौरवान्वित कर रहा है। नमस्ते, माय नेम इज सोफिया, आई एम फ्रॉम अर्जेंटीना। आई केम टू रीड अबाउट दिस प्लेस ऑनलाइन। पिपलांत्री, इट इज अ वेरी स्पेशल विलेज बिकॉज ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन इज। चिल्ड्रन एट स्कूल आर ब्रिलियंट। The teachers are very devoted. श्याम सुंदर पालीवाल जी को इनके अतुल्य प्रयासों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी बेटी, पर्यावरण, शिक्षा और जीवन को बचाने के लिए विभिन्न स्तर के सम्मान प्राप्त किए हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं पिपलांत्री ग्राम का पंचायत का पूर्व सरपंच रहकर यहाँ पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति का आधारित रोजगार देने का काम करता हूँ। पिपलांत्री गांव में कई ऐसे काम हुए हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़कर, जिसमें बेटी के जन्म पर इस ग्राम पंचायत में जितनी भी लड़कियों का जन्म होता है हम उन सब के नाम पर वृक्षारोपण करते हैं और 111 पौधे लगाते हैं। उन 111 पौधे के साथ साथ गरीब बच्चियों के नाम पर गाँव के सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके उस बच्ची के नाम पर FD करते हैं, जिससे बेटी बची, बेटी के आत्मनिर्भर हुई, सरकारी ज़मीनें बची जिस पर वृक्षारोपण हुआ, जिस पर जल संरक्षण का काम हुआ, बेटी, पानी, चारागाह भूमि और वृक्षारोपण, और ये सब काम हुआ तो पिपलांत्री में वन्य जीव भी वापस आने लगा और सुरक्षित होने लगा। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। जीवन हम इंसानों की बचने की आवश्यकता है, पर इस धरती के ऊपर जितने भी जीव मात्र हैं उन सबको आज बचाने की आवश्यकता है। आज ये फूल से मुस्कुराते चेहरे, लहलहाते हरे भरे पेड़ पौधे,
समाज और पर्यावरण के लिए मिसाल बन गए हैं।